दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें सिर्फ आप कॉपी पेस्ट करके आपका चैनल बना सकते हो और उससे मोनेटाइज भी हो जाएगा और उससे पैसे भी कमा सकते हो। तो दोस्तों ये तरीका बहुत ही आसान है और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हो, जिसमें आपको अपना ना ही चेहरा दिखाना होगा ना ही आपको वॉइस ओवर करना होगा। अगर आप वॉइस ओवर भी नहीं करना चाहते हो और अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते हो तो आपको ऐसा चैनल जरूर बना लें जिससे कि आपको यूट्यूब पर जल्दी से जल्दी ग्रो करें और उसे मोनेटाइज करें। और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पर जो इस तरीके से काम कर रहे हैं और उस चैनल को मोनेटाइज करके पैसे कमा रहे हैं। तो ये तरीका आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा सब कुछ करके इस वीडियो में। आगे मैं पहले आपको वो चैनल दिखाता हूँ जो ऐसा कर रहे हैं और वो मोनेटाइज हैं यूट्यूब पे। तो वो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ यूट्यूब चैनलों के मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले सबसे पहले ये चैनल है रोचक स्टोरी, और रोचक स्टोरी के बाद चैनल है हनी वॉइस, और तीसरा चैनल है कहानियाँ 2.0, और उसके बाद है स्टोरी टाइम फॉर यू। ये तीन चार चैनलों के स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखे हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूट्यूब पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करके आपको दिखाता हूँ। जो यूट्यूब पे आके मैं सर्च करूँगा हिंदी स्टोरी, यहाँ पे जब मैं हिंदी स्टोरी सर्च करूँगा तो फिर आपको ऐसे बहुत सारे चैनल मिलेंगे जो जिस तरीके के चैनल आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल करते जाना है आपको, और एक ये कहानियाँ 2.0, तो कहानियाँ 2.0 पे यहाँ पे मैं देखता हूँ आपके। तो यहाँ पे इनके 32,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और वीडियो देख सकते हो आप, 4 घंटे पहले अपलोड हुई है जिसपे 8,000 व्यू आ रहे हैं, 21 घंटे पहले भी अपलोड हुई है उसपे 23,000 है। और वीडियो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तो पॉपुलर वीडियो पे जाऊँगा तो 1.1,924 की 62 की, और ओल्ड एज पे जाऊँगा तो सिर्फ 4 महीने हुए इस चैनल को बने हुए, और 4 महीने में 32,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और 32,000 सब्सक्राइबर होने के बाद यहाँ पे आपको अवार्ड में जाके मैं व्यू पे दिखाता हूँ जाके 53,47,663 व्यू, 53 लाख व्यू अगर 4 महीने में आ रहे हैं तो ये समझिए आपको हर महीने में 1 मिलियन से ज़्यादा व्यू आ रहे हैं। तो ये कितने पैसे कमा सकते हैं हर महीने यहाँ पे ये चैनल। और इसके बाद मैं वापस आऊँगा और भी ऐसे बहुत सारे चैनल आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, जैसे एक ये चैनल स्टोरी टाइम फॉर यू, यहाँ पे स्टोरी टाइम फॉर यू पे मैं क्लिक करूँगा और 9 वीडियो पे 10,000 सब्सक्राइबर इनके होने वाले हैं, 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अवार्ड में जाऊँगा तो इनके व्यू देख सकते हो आप 22,55,958, और ये इस चैनल को बने सिर्फ 3 महीने हुए। और इसकी वीडियो में जाऊंगा और यहाँ पे पॉपुलर वीडियो में जाऊंगा तो 1.2,623 की, 237 की, महीने में इतनी वीडियो वायरल हुई है ऐसे चैनलों की। और ये सब कैसे कर सकते हो आप, बहुत सारे ऐसे चैनल और मिलेंगे आपको। ये वीडियो कैसे कॉपी पेस्ट करके बना सकते हो यही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। पहले दोस्तों एक काम और करता हूँ मैं आपको, इसकी जो अर्निंग है वो और दिखाता हूँ किसी भी चैनल की, ऐसे चैनल की जैसे जो सबसे पहले चैनल चेक किया था हमने। पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रोम ब्राउजर में, और क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे न्यू टैब ओपन करूँगा, और न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करूँगा मैं, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा सोशल ब्लेड, और सोशल ब्लेड सर्च करने के बाद यहाँ पे इसकी वेबसाइट पर चला जाऊँगा सोशल ब्लेड की पे। और यहाँ पे और दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे एक चैनल ये है अजय नागर हिंदी कहानियाँ, और इस पर जो 276 वीडियो अपलोड है और 414 के सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ पे वीडियो पे जाऊँगा तो मोस्ट पॉपुलर वीडियो पे जाऊँगा तो आप देख सकते हो 16 मिलियन तक ये वीडियो रही है। और इसके बाद यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाऊँगा तो इसके आप व्यू देख सकते हो, 2020 में ज्वाइन किया था इन्होंने तो यहाँ पे 6,55,71,340 व्यू में 6 करोड़ से ज़्यादा व्यू चले गए दोस्तों। तो आप सोच सकते हो इन्होंने कितना पैसा कमाया होगा। और यहाँ पे एक सोशल ब्लेड की एप वेबसाइट है, इस पर मैं जाऊँगा यहाँ पे सर्च कर लूँगा मैं इनके चैनल को, तो यहाँ पे इनकी जो अर्निंग होगी वो दिखाने लगेगा। यहाँ पे अजय नागर हिंदी कहानियाँ इस चैनल का नाम डाल देना जी, जिस भी चैनल की तो सबसे पहले आ रहा है उस चैनल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट चैनल पे क्लिक कर देना तो इसकी जो अर्निंग होगी मंथली वो दिखाएगा। यहाँ पे $834 दिखा रहा है मंथली अर्निंग, तो यहाँ पे मैं जो $834 है उसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे गूगल पे जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे सर्च करूँगा मैं USD to INR सर्च करूँगा, उसके बाद यहाँ पे $1 जो है वो 82.07 है, तो यहाँ पे मैं $834 डाल दूँगा, $834 को कन्वर्ट करूँगा तो 68,444 ये इनकी मंथली इनकम है। तो दोस्तों इस तरीके तो इसी तरीके से आप ऐसी वीडियो बना सकते हो और इनकी तरह पैसे कमा सकते हो, और वो कैसे बना सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको स्टोरी एक या तो लिख लेनी है आपको, या फिर किताब खरीद लेनी है कहीं से स्टोरी की, जिससे कि आप ऐसी वीडियो बना सकें उस पर। तो पहले कुछ भी मैं आपको इसका जो तरीका है वो शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा हिंदी कहानी में सर्च करूंगा यहाँ पे गूगल पे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी आपको मिल जाएंगी। एक वेबसाइट पे पहली पेज मैंने क्लिक कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे एक ये दे रहा प्रेरणादायक हिंदी कहानी संग्रह कथा स्टोरी, तो इसे आपको कॉपी कर लेना। इसे मैं यहाँ से कॉपी करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, तो कम में कम चला देता हूँ और आप अपने हिसाब से वीडियो बनाएंगे पूरी अच्छी तरीके से टाइम लेके। और इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद एक ऐप सर्च करना है यहाँ पे,
यहाँ पे सर्च करूंगा टेक्स्ट टू स्पीच। यहाँ पे जब टेक्स्ट टू स्पीच सर्च करेंगे आप तो एक एप्लीकेशन होगा जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसका लोगो यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दे रहा है। टाइम बचाने के लिए मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसका लोगो ऐसा दिखाई देगा और इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से। इसकी जो डाउनलोड है वो देख सकते हैं दोस्तों 10 मिलियन से ज़्यादा हैं। तो इसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसे मैं यहाँ से ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब ये ओपन होगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये लोडिंग होने में थोड़ा सा समय लेगा और उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जब ये ओपन होगा तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें जो पहले से लिखा हुआ है ये इसको मैं कट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा है, पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और जो वहाँ से कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है तो ये आपकी कहानी के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले बटन पे आपको क्लिक करना और वापस आना, और वापस आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर ये जो मेल का एक ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे इसी पे आपको क्लिक करना। तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, किस लैंग्वेज में आपको करना है तो मैंने हिंदी में कर रखा है। वॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे कि मेल वॉइस रखनी है या फीमेल वॉइस रखनी है, ये यहाँ से सिलेक्ट करना। और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से वापस आना है और वापस आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे दोस्तों एक बटन दिखाई दे रहा है प्ले करने का, इस पर इसे प्ले कर देना है। और जब ये प्ले होगा तो ये थोड़ी देर लोड होने में लगाएगा और उसके बाद ये कहानी जो है उसे वॉइस में चेंज कर देगा। ये जीवन को परिस्थितियों को अपने में लेकर उलझी हुई, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने वॉइस में बदल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो राइट साइड में एक और ऑप्शन दे रहा है शेयर का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव ऑन डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो ये जो वॉइस है वो आपकी डिवाइस में सेव हो जाएगी। यहाँ पे फाइल नाम पूछ रहा है तो फाइल नाम डाल देना और उसके बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है तो ये जो वॉइस है वो सेव हो जाएगी। तो ये वॉइस जो है वो सेव हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे वापस आना है और वापस आने के बाद वो जो वहाँ से कॉपी किया था उसके लिए यहाँ पे पिक्सल लैब ऐप में जाना है। और पिक्सल लैब ऐप में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये मैंने पहले से बना रखा है इसे मैं डिलीट करके दोबारा से आपको एक नया बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको जो थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर टॉप पे, इस पर क्लिक करना। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज साइज का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना। और उसके बाद यहाँ पे कस्टम के आगे एक बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। तो आपके इमेज साइज के बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट। तो यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देना। और उसके बाद दोस्तों ये आपकी YouTube वीडियो पे जाएगी, इसलिए मैंने YouTube थंबनेल का ऑप्शन लिया। और इसके बाद यहाँ पे जो नीचे पांच ऑप्शन है उनमें से राइट साइड से दूसरा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा कलर का, यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पे कलर में जाना है तो इसका कलर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, जो नीचे कलर दे रहा है इनमें क्लिक करके। तो इनमें से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेना आपको, जैसे मैंने नीला कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। और इन जो नीचे पांच ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से लेफ्ट साइड से दूसरा ऑप्शन है एक आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ एडिट पे जाना है और यहाँ पे जो कॉपी किया था आपने, जो स्टोरी कॉपी की थी उसे पेस्ट करना है। और यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना तो ये जो स्टोरी है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका साइज जो है उसे मैं कम कर दूंगा क्योंकि ये पूरे पे दिखाई दे। और उसके बाद इसे इस तरीके से बना दूंगा पूरी स्टोरी की तरह। और उसके बाद यहाँ से एक क्लिक करने के बाद वापस आऊंगा और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देगा ए वी फॉन्ट का, यहाँ पे ए वी फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इसका जो फॉन्ट है वो स्टाइल चेंज कर दूंगा, कोई भी एक सिलेक्ट करके आप अपने हिसाब से देख सकते हो कौन सा अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो दोस्तों ये इस तरीके से बन गया पूरा पोस्टर। और उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर शेयर का ऑप्शन दे रहा है इस पर क्लिक करना। और उसके बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव टू गैलरी, यहाँ पे सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना तो ये जो इमेज है वो सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। और जब ये इमेज सेव हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक वीडियो एडिटिंग ऐप लेना है। वीडियो एडिटिंग ऐप कोई सा भी हो सकता है, मैं यहाँ पे इनशॉट ऐप में आपको बताता हूँ। इनशॉट ऐप जब आप ओपन करेंगे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इनशॉट ऐप को। और इसे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो वीडियो का ऑप्शन दे रहा है सबसे पहला इस पर क्लिक करना है। और न्यू वीडियो क्रिएट करनी है तो यहाँ पे न्यू वाले पे क्लिक कर देना आपको। और उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रहा है वीडियो फोटो और ऑल, तो यहाँ पे फोटो से वीडियो बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो फोटो पे क्लिक करूंगा। और उसके बाद जो फोटो सेव किया था अभी पिक्सल लैब ऐप से उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नीचे टिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना।
तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन दे रहा है म्यूजिक का, यहाँ पे म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाना है, फिर म्यूजिक प्लस वाले में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे माई म्यूजिक में जाना है। और जो वहाँ से ऑडियो सेव की थी वो यहाँ पे आ गई दोस्तों, जो मैंने विजय यादव के नाम, विजय के नाम से सेव की थी, उसको सिलेक्ट करना और उसके बाद यहाँ पे यूज पे क्लिक कर देना। और उसके बाद यहाँ पे इस फोटो की जो लेंथ है उसे खींच देना जहाँ तक आपकी ऑडियो उस तरीके से। और दोस्तों आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो थोड़ा बहुत। तो अब इसे मैं चला के दिखाता हूँ, आपकी जो स्टोरी है वो तैयार होगी थोड़ी बहुत। हिंदी कहानियाँ एक ऐसी विधा जो जीवन को, परिस्थितियों को अपने में लेकर उलझी हुई समझ को सुलझा देती है। तो दोस्तों ये तैयार हो चुकी है, और इसका जो वाटर मार्क है इस पे आपको क्लिक करना है, और इस पे यहाँ पे आपको फ्री रिमूव का एक ऑप्शन मिलेगा और एक एडवर्टाइज आएगा, तो इसका वाटर मार्क भी हट जाएगा इस ऐप का। और उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर सेव का ऑप्शन दे रहा है इस पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे 180p में रखना है या फिर 720p में कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, तो ये जो वीडियो है वो आपकी सेव हो जाएगी। तो दोस्तों जब ये वीडियो सेव हो जाएगी तो इसे आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। और ये कन्वर्ट हो रही है वीडियो, 60% से ज्यादा हो रही है। कन्वर्ट होने के बाद दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि आप इसे यूट्यूब पे कैसे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे ये वीडियो जो है वो सेव हो चुकी है, और अब मैं जाऊंगा यहाँ पे यूट्यूब के ऐप में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड ये वीडियो का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो वीडियो वहाँ से कन्वर्ट की थी वो यहाँ पे पहले नंबर पे दिखाई देगी, और उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना आप। हिंदी कहानियाँ एक ऐसी विधा जो जीवन को, परिस्थितियों को अपने मिले। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, और अपनी जो वीडियो है इसका टाइटल यहाँ पे डाल देना। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, अभी आपको दिखाने के लिए हिंदी स्टोरी का ऑप्शन है, हिंदी स्टोरी डाल देता हूँ। और अपलोड का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना, तो ये जो वीडियो है आपकी वो आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने लगेगी। तो दोस्तों इस तरीके की आप वीडियो बना सकते हो जिससे कि आप अपने चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करा सकते हो, और बिना वॉइस और बिना फेस के आप अपने चैनल को मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हो।